ओके फ्रेंड, चलिए अब हम एक और चीज डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक तो हमने प्लेनार इंटरफेस डिस्कस किया था, अब हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल इंटरफेस। ओके, जिस तरह से हमने प्लेनार मिरर डिस्कस किया था, उसके बाद क्या डिस्कस किया था, स्फेरिकल मिरर, उसी तरह से हम लोग पहले प्लेन सरफेस के बारे में डिस्कस किए हैं, अब हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल सरफेस या स्फेरिकल इंटरफेस के बारे में। ओके, तो इस तरह से सिनेरियो है, आप बना लीजिए डायग्राम। ये एक स्फेरिकल इंटरफेस है जो कि दो मीडियम्स को सेपरेट की हुई है। ये है मीडियम N1 और ये है मान लीजिए मीडियम N2। फाइन, यहां पर इस सर्कल का और या इस स्फीयर का सेंटर है, लेट्स कॉल इट एज O। ओके, और इसको मैं एक और लेटर से डिनोट कर देता हूं, मैं बोल देता हूं कि ये C है, बिकॉज O इज जनरली यूज फॉर ऑब्जेक्ट, तो यहां पर मैं मान लेता हूं कि ऑब्जेक्ट है O। फाइन, अब मुझे रे डायग्राम बना के ये पता करना है कि भाई इसकी इमेज कहां है। ऑलराइट, तो आप पहले खुद से ट्राई कर लीजिए एक बार वीडियो पॉज करके। ओके, तो यहां से एक रे अगर ऐसे जाएगी तो क्या होगा इस रे के साथ, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये जो लाइन है यही इसका नॉर्मल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, तो ये सीधे स्ट्रेट ऐसे जाती रहेगी। फाइन, सो दिस विल बी द फर्स्ट रे, तो इमेज जो है इसी लाइन में है कहीं पे। ऑलराइट, दूसरी रे हम लोग कुछ इस तरह से बना लेते हैं, ये रही दूसरी रे। ओके, और अगर ये दूसरी रे है तो ये जो है क्या करेगी, मीडियम चेंज करेगी, N1 से लेकर N2 जाएगी अब ये, लेकिन ये स्नेल्स लॉ फॉलो करेगा। ओके, तो सबसे पहले तो मुझे नॉर्मल बना लेना चाहिए क्योंकि एंगल जो है सारे नॉर्मल के साथ ही है, isn't it? तो ये मेरा नॉर्मल है, राइट? अब जो है एक एजम्पशन यहां पे मैं ले लेता हूं, N2 इज ग्रेटर देन N1। फाइन, ये एजम्पशन मैं सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए ले रहा हूं, इस एजम्पशन को मैं कभी यूज नहीं करूंगा डेरिवेशन के समय। ओके, तो अगर N2 N1 से ज्यादा है तो क्या होगा, लाइट विल बेंड टुवर्ड्स अ नॉर्मल। फाइन, तो इस तरह से यहां पर आके ये लाइट इंटरसेक्ट करेगी और ये रही आपकी इमेज। फाइन, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज वहां पे बन रही है, राइट? ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये रहा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, मान लीजिए ओ है, ये सी आई, ये मान लीजिए एम है और ये जो है एन है। ओके, तो अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं दोस्तों, तो क्योंकि मैं अपर्चर हमेशा छोटा मानता हूं, ये जो परपेंडिकुलर है मैं बोल सकता हूं कि n पे ही फॉल कर रहा है, और इस परपेंडिकुलर हाइट जो है लेट्स एज्यूम इट टू बी इक्वल टू h। ओके, अब मेरे पास है क्या क्या चीज, मेरे पास भाई ये मालूम है मुझे कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है स्फेरिकल इंटरफेस से, ये तो पता ही है मुझे, कहां पे मैं रख रहा हूं तभी तो मैं उसकी इमेज निकालूंगा। अगर मुझे यही नहीं मालूम है कि मैं ऑब्जेक्ट कहां रख रहा हूं तो इमेज निकालने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। ओके, दूसरी चीज मुझे पता होनी चाहिए कि इस स्फेरिकल इंटरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, तो एन से लेकर सी तक डिस्टेंस मुझे पता है। फाइन, तीसरी और चौथी चीज है एन वन एंड एन टू, तो मुझे निकालना है दोस्तों एन आई, मुझे चाहिए वैल्यू एन आई की एज अ फंक्शन ऑफ ओ एन होना चाहिए उसमें। फाइन, उसमें एन सी होना चाहिए, उसमें एन वन होना चाहिए और उसमें एन टू होना चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए उसमें, राइट? अब दिक्कत यहां पर ये है दोस्तों कि यहां पर जो आई और आर है और एन वन और एन टू है, इनके बीच में रिलेशन है, फाइन, लेकिन इनके बीच में जो रिलेशन है वो साइन ऑफ आई एंड साइन ऑफ आर को लेके है, और यहां पर जो है कहीं पे भी आप यू नो ट्रिग्नोमेट्री लगा के ये 100 डिस्टेंसेस डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं आई और आर यूज करके। ओके, सबसे पहले तो हम स्नेल्स लॉ लिख ही लेते हैं। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि भाई एन वन साइन आई इज इक्वल टू एन टू साइन आर।
फाइन। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये सब डिस्टेंसेस इक्वेशन में, फाइन। लेकिन अब मैं कैसे लिखूंगा इसको, यहां पे साइन ऑफ आई जो है, अब आई इधर पे कहीं पे भी नहीं आ रहा है। लेकिन एक चीज आपने नोटिस की होगी यहां पे कि आप तीन राइट एंगल ट्रायंगल देख पा रहे हैं, एक ट्रायंगल है ओ एन एम, दूसरा है एन एम सी और तीसरा है एन एम आई। ये तीन राइट एंगल ट्रायंगल है, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है दोस्तों तो उसका जो साइन और टैन या कॉस एंगल जो निकालना होता है वो रेशियो ऑफ साइड्स के बीच में काफी आसानी से लिखा जा सकता है। ओके, तो मेरा जो यहां पर यू नो टारगेट रहेगा वो किसी तरह से ये जो एंगल्स हैं दोस्तों अल्फा, लेट अस से दिस इज बीटा एंड लेट अस से दैट इज गामा, मेरा जो टारगेट है किसी तरह से अल्फा बीटा गामा इक्वेशन में लाने की है। एक बार अल्फा बीटा गामा इक्वेशन में आ गई तो उसको मैं रेशियो ऑफ साइड्स के टर्म्स में इजीली लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल्स के एंगल हैं। ओके, तो यहां पर अगेन हम एक अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे कि भाई इमेज बन रही है यहां पे, राइट, तो एंगल्स को हम छोटा मानेंगे, एंगल्स आर वेरी वेरी लेस। तो अगर ये कम है एंगल तो साइन ऑफ आई इज व्हाट, साइन ऑफ आई इज जस्ट आई ओनली एंड साइन ऑफ आर इज जस्ट आर। इसको मैं टेन आर और टेन आई भी लिख सकता था लेकिन वो लिख के कोई फायदा नहीं है क्योंकि मुझे क्या करना है, अल्टीमेटली आई को अल्फा बीटा गामा के टर्म में लिखना है और आर को भी अल्फा बीटा और गामा के टर्म्स में लिखना है। ओके फाइन, तो इसको लिख सकते हैं एन वन आई इज इक्वल टू एन टू आर। ऑलराइट, अब मैं अल्फा बीटा गामा को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करूंगा इस इक्वेशन में, फाइन। तो मैं क्या लिख सकता हूं, कोई रिलेशन है अल्फा बीटा आर या आई के बीच में? आप देखेंगे कि ये जो एंगल है बीटा, ये बीटा है इन दोनों एंगल्स का एक्सटीरियर एंगल, राइट। तो आप देखेंगे कि बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गामा दोस्तों, तो आर हो जाएगा बीटा माइनस गामा, फाइन। तो ये तो हो गई आपका पहला रिलेशन, ऑलराइट। और एक और चीज आप देखेंगे कि जो एंगल आई है दैट इज ऑल्सो एक्सटीरियर टू अल्फा एंड बीटा। ओके, तो आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा दोस्तों अल्फा प्लस बीटा के बराबर, फाइन। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई, राइट। अब मैं आई और आर को यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो मेरे पास अल्फा बीटा के टर्म्स में पूरी इक्वेशन आ जाएगी। ओके, तो एन वन इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वॉट, एन टू इंटू बीटा माइनस गामा, फाइन। इसको मैं लिख सकता हूं एन वन अल्फा प्लस एन टू गामा इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन टाइम्स बीटा, फाइन। इस तरह से मैंने इसको रीअरेंज कर दिया है। अब आप सोचिए कि मैं क्या यहां पे करूं जिसकी वजह से ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस इक्वेशन में आ जाएं। अब मैं क्या करूंगा, अल्फा को बोलूंगा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन ऑफ अल्फा एंड बीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन बीटा, गामा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन ऑफ गामा। ओके, तो यहां पर अल्फा इज टेन ऑफ अल्फा एंड टेन ऑफ अल्फा इज वॉट, एच डिवाइडेड बाई ओ एन। तो उसको लिखेंगे हम लोग एच डिवाइडेड बाई ओ एन प्लस एन टू इंटू टेन ऑफ गामा, टेन ऑफ गामा इज एच डिवाइडेड बाई दैट डिस्टेंस एन आई। ओके, दिस इज इक्वल टू वॉट, एन टू माइनस एन वन। ओके, एन टू माइनस एन वन इंटू टेन ऑफ बीटा, टेन ऑफ बीटा इज एच डिवाइडेड बाई एन सी, दिस मल्टीप्लाइड बाई एच डिवाइडेड बाई एन इंटू सी। ओके, तो आप देखेंगे कि एच जो है चला जाएगा, एच तो कभी चाहिए नहीं था इक्वेशन में, हमको बस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस चाहिए थी। ओके, तो इसको मैं वापस से लिख देता हूं, एन डिवाइडेड बाई ओ एन, सॉरी एन वन डिवाइड बाई ओ एन प्लस एन टू डिवाइडेड बाई एन आई इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन डिवाइडेड बाई एन सी। ओके, अब देखिए आप ओ एन क्या है, ओ एन जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, फाइन। एन आई क्या है, एन इमेज डिस्टेंस है और एन सी जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो अब आपके पास रिलेशन आ गया, फाइन।
अब दिक्कत इस रिलेशन में ये है कि कभी कभी क्या होगा, इमेज उस तरफ नहीं होगी, इसी तरफ आ जाएगी, फाइन। तो इमेज की लोकेशन अगर चेंज होगी तो आपने जो भी यहां पे लिखा है उसका रेशियो ऑफ साइड्स अलग अलग हो जाएगा और रिलेशन बिटवीन एंगल्स अलग हो जाएंगे। आपके गामा हो सकता है, गामा विल बी जो अभी की सिचुएशन है 180 माइनस ऑफ दैट एक्यूट एंगल हो जाएगा। तो क्या होगा कि जो ये एंगल्स की वजह से यहां पर साइंस चेंज होंगे, फाइन। तो हमें इधर पर भी साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा ताकि हम लोग सिर्फ इसी सिनारियों में ना अटक के रह जाएं। वी शुड बी एबल टू कवर ऑल द पॉसिबल सिनारियोस। कभी कभी क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इस तरफ होगा, मतलब कि जो आपका इंटरफेस है कुछ इस तरह से अगर हो गया, अगर फाइन, तो आप देखेंगे बीटा इस तरफ आ जाएगा, राइट। तो ताकि हम सारे सिनारियो कवर कर लें इसलिए हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, फाइन। और अगर आपको वो यूज करना है दोस्तों तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओएन क्या है, ओएन जो डिस्टेंस है वो है एन से आपने मेजर किया डिस्टेंस एंड यू आर गोइंग अगेंस्ट द इंसिडेंट रे, तो ओएन जो है नेगेटिव होनी चाहिए, राइट। तो मैं यहां पे लिख दूंगा एन वन डिवाइडेड बाई माइनस यू। जनरली हम लोग जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो जो है नेगेटिव रख रहे हैं यहां पर और उसको यू की तरह यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। प्लस N2 डिवाइड बाई एन आई क्या है, प्लस V है, फाइन। और रेडियस ऑफ कर्वेचर NC क्या है, प्लस R है, तो ये हो जाएगा R। इसको मैं रीअरेंज कर देता हूं, N2 बाई V माइनस N1 बाई U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई R, फाइन। तो इस तरह से आपने ये रिलेशन लिख लिया, ओके। अब होगा क्या, यहां पर आपको कई बार इस तरह से डाउट आएगा कि जब एक सवाल आता है तो हम वापस से साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर थी, आई विल पुट यू इज इक्वल टू माइनस 10 देयर। तो आपको हो सकता है डाउट आए कि साइन कन्वेंशन तो हमने ऑलरेडी यूज कर लिया तो वापस से उसको माइनस 10 क्यों यूज कर रहे हैं। भाई एक्चुअल रिलेशन तो दोस्तों ये है, इजंट इट, जो कि इस सिनेरियो को कैप्चर कर रहा है। अगर इसी सिनेरियो का है चीज तो हमारा वापस से ये एक्सप्रेशन आना चाहिए। इस एक्सप्रेशन में ये जो डिस्टेंस थी पॉजिटिव डिस्टेंस थी, इसलिए हम लोग साइन कन्वेंशन फिर से यूज करेंगे और जो भी हमने अभी तक किया उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, फाइन। तो साइन कन्वेंशन यू हैव टू यूज इट अगेन व्हाइल सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, ओके। तो आज हमने दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव किया है और ये फॉर्मूला जो है स्फेरिकल इंटरफेस फॉर्मूला कहलाता है। और इस फॉर्मूले से हम लोग जो है पूरी अब रिफ्रैक्शन की स्टडी कर सकते हैं। इसी से हम लोग लेंस मेकअप फॉर्मूला डिराइव करेंगे, इसी से हम लोग लेंस फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। और आप एक चीज और यहां पे देखेंगे कि जो प्लेन सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इंफिनिटी होता है, फाइन। और अगर आप यहां पे आर इंफिनिटी डाल देंगे तो सेम फॉर्मूला कैन बी यूज्ड फॉर प्लेनर सरफेस एज वेल, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इसको और रिफ्रैक्शन की स्टडी खत्म करने की कोशिश करेंगे, ओके। थैंक यू।